चैनल चोरी जो हुई थी उसमें है ना कुछ नहीं किया था, केवल पैसे के लिए गए थे। इसी चीज को जो है ना आपको कैमरा तोड़ दिए हैं, उसने रुपए नकदी ले गया 3500 रुपए और वाईफाई ले गया है, डीवीआर ले गया है, हाँ 8-10 पेंट ले गया है। जी मेरा नाम अंशुल भारेल है, मैं गाजियाबाद सदा का निवासी हूँ और मेरी दुकान है सीसीटीवी कैमरे की। और इस दुकान पे इसी महीने की 3 तारीख को 3 जनवरी को चोरी की वारदात हुई थी, जिसकी सूचना हमने गाजियाबाद सदा थाने में दी थी और FIR भी हमने करवाई थी। उसके बाद में कुछ प्रतिक्रिया इसके लिए हुई नहीं और आज दिनांक 21 जनवरी को वापस से ये दुर्घटना हुई और वापस से हमारी दुकान में 20 जनवरी को वापस से चोरी की वारदात हुई। पहली चोरी की वारदात के बाद हमने हमारी दुकान में सेंटर लॉक तथा सीसीटीवी कैमरे दोनों ही इंस्टॉल कर लिए थे। इस बार जो दुर्घटना हुई है उस वारदात को अंजाम देने में उन्होंने वापस से हमारी दुकान के ताले तोड़ने की कोशिश की। सेंटर लॉक होने के कारण हमारी दुकान के ताले नहीं टूट पाए, उन्होंने हमारे पड़ोसी की दुकान के ताले तोड़कर उस दुकान से हमारी दुकान में प्रवेश किया और प्रवेश करकर वापस से हमारी दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और पिछली बार जो चोरी की वारदात हुई थी उसमें हमारे यहाँ से 10,000 रुपये नकद की चोरी हुई थी। इस बार हमारे यहाँ नकद उनको प्राप्त नहीं हुआ, पर इस बार उन्होंने CCTV कैमरा, हमारा मॉडेम, हमारे पड़ोसी की दुकान का DVR और 3,000 रुपये की चोरी पड़ोसी की दुकान से की है। इसमें पिछली बार जो नुकसान हुआ था वो करीबन 10,000 रुपये के आसपास था और इस बार जो नुकसान हुआ है CCTV और कैमरा मिला के तकरीबन 30,000 रुपये के आसपास का नुकसान है।